ये जो पीछे स्क्रीन पर मैंने हेडलाइन लिख रखी है, घर घर जाकर पैसे क्यों मांग रही है कांग्रेस, इसके इसको पढ़ने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी भी क्या नौबत आ गई है कांग्रेस के पास कि अब घर घर जाकर पैसा मांगने पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नौबत नहीं है, ये 24 का प्लान है कांग्रेस की, नई स्ट्रैटेजी है और नया जो एक है थीम लॉन्च होने जा रहा है। और कांग्रेस अब महात्मा गांधी के कदमों पर चलने वाली है और इस नई स्कीम को लेकर आ रही है। तो आप सबसे पहले यही जानेंगे रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि कांग्रेस क्यों मांग रही है चंदा, ये इनकी जो नई स्कीम है कि देश के लिए दान करें वो आखिर है क्या, और दूसरा कि पैसों का आखिर ये क्या करेगी, जो चंदा मिलेगा लोगों से उसका कांग्रेस क्या करेगी, और कैसे महात्मा गांधी का वो आइडिया अब अप्लाई किया जा रहा है। तीसरा, बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं, अब बीजेपी ने इस पर क्या आरोप लगाए हैं इस नई स्कीम पर, ये तो शुरू भी नहीं हुई अभी तक, कल से 18 दिसंबर से चालू होगी तो भी ऐसे कौन से बीजेपी आरोप लगा रही है। चौथा है कि आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस का नया प्लान क्या है, यानी नागपुर। और पांचवा कि कांग्रेस का ये जो 24 का प्लान तैयार कर रही है वो इस स्कीम से कैसे आगे जाएगा और राहुल गांधी के दिमाग में अब 24 की लड़ाई के लिए क्या चल रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट आप यही समझ लीजिए कि आखिर कांग्रेस घर घर जाकर क्यों चंदा मांगेगी, और सिर्फ घर घर जाकर नहीं, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी, आपके पास भी अगर कांग्रेस वाले आएंगे तो आखिर ये सारा स्कीम में क्या है, क्यों है, वो आप इस पॉइंट से समझ लीजिए। कांग्रेस अपने ऑनलाइन जन सहयोग अभियान देश के लिए दान करें को 28 दिसंबर तक चलाएगी। इस दौरान पार्टी जमीनी स्तर पर भी इस अभियान को चलाएगी। पार्टी नेता ने यह बताया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस अभियान के बारे में बताएंगे। 28 दिसंबर जो कि पार्टी का स्थापना दिवस है, तब तक ये अभियान मुख्य रूप से ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद पार्टी स्वयं सेवकों को हर बूथ के कम 10 घरों में जाएंगे वो लोग, जहां से 138 रुपए प्रति घर का दान इकट्ठा करेंगे। पार्टी नेताओं से आग्रह किया गया है कि वो पार्टी के शुभचिंतकों और पदाधिकारियों से बड़े दान लेने की कोशिश करें, जैसे 1380 रुपए या फिर 13800 रुपए। पार्टी का मानना है कि ये रणनीति उनके सपने को साकार करने में मदद करेगी, यानी एक बेहतर भारत बनाने में। अब दूसरा, जो ये चंदा दे रहा है, यानी कि हमारे मन में दो ही सवाल आते हैं कि आखिर इन पैसों का कांग्रेस करेगी क्या, तो इस पे भी कांग्रेस ने अपनी क्लैरिटी दे दी है। इस पॉइंट से समझिए, कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान का मकसद पार्टी को सशक्त बनाना है, ताकि एक ऐसा भारत बनाया जा सके जहां रिसोर्सेस का बराबर बंटवारा हो और हर किसी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान देश के लिए दान करें को लॉन्च करने पर गर्व करती है। ये पहल महात्मा गांधी के 1920 और 1921 के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है और इसका उद्देश्य रिसोर्सेस के समान वितरण और समान अवसरों से समृद्ध भारत बनाने में पार्टी को सशक्त बनाना है। पार्टी आधिकारिक रूप से देश के लिए दान करे अभियान को 18 दिसंबर को लॉन्च करेगी। अब तीसरा आ जाइए कि आखिर अब बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यही कह रही है कि कांग्रेस की ऐसी नौबत आ गई है, वो देश के लिए चंदा नहीं मांग रही है, उसको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, इसलिए खुद के लिए पैसा मांग रही है। इस पॉइंट से देखिए कि आखिर बीजेपी क्या आरोप लगाना चाह रही है। बीजेपी के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कांग्रेस के इस नए अभियान पर अटैक किया है और कहा है कि कांग्रेस अपने खर्चे उठाने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। ये इनको नाम देना चाहिए था डोनेट फॉर डायनेस्टी, यानी वंश के लिए दान करे ये योजना है। रिजिजू ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों से मिले धन का पता लगाने और उसे जब्त करने के बाद कांग्रेस को ये योजना लानी पड़ी है, वरना अपना लाइफस्टाइल कैसे पूरा करेगी। ये जो सारा पैसा है वो खुद पे लगाएगी और देश को ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और चौथा कि कांग्रेस की नई रणनीति है कि अपनी पहली रैली के लिए आरएसएस का जो गढ़ है नागपुर, उसे ही क्यों चुना है और अब कैसे इस रैली से कांग्रेस डायरेक्ट 2024 पर निशाना लगाएगी। कांग्रेस ने 28 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में रैली होगी और मैं आपको बता दूं कि ये आरएसएस का गढ़ है। इसमें 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी इसे आम चुनाव के प्रचार की शुरुआत मान रही है।
पार्टी अगले साल की शुरुआत से ही भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज को लॉन्च करने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसका स्वरूप बदला जा सकता है ताकि कम समय में अधिक से अधिक जगह को कवर किया जा सके। और पांचवा ये है कि कांग्रेस ने कैसे इन तीन बड़ी राज्यों की हार से क्या सीखा है, 24 के लिए क्या तैयारी है, क्या नया प्लान है, और अब आगे, क्योंकि 2 महीने से कम का वक्त है, तो अब आगे क्या बचा है। कांग्रेस आम चुनाव से पहले पूरी ताकत के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। पार्टी को पता है कि इस बार समय बहुत कम है, 2 महीने के अंदर देश में आम चुनाव का ऐलान हो सकता है। इससे पहले जनवरी महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके शोर में पार्टी का तमाम कैंपेन गुम हो सकता है। ऐसे में बाकी बचे समय में पार्टी को लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के हौसले को करारा झटका लगा है। साथ ही पार्टी को इंडिया गठबंधन के दलों के साथ सीटों का समझौता भी तो करना है। तो आज के शो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस एक नई स्कीम मार्केट में लाई है, एक नई रणनीति लाई है, और डायरेक्ट उनका जो निशाना है वह 2024 के चुनावों पर है। बीजेपी हालांकि ये कह रही है कि इतना सारा इनके सांसदों के घर से पैसा मिला है तो अब इनके पास कमी हो गई है पैसों की, तो अब घर घर जाकर चंदा मांगना पड़ेगा। बट खैर, अब जो भी हो रहा है वो 2024 चुनावों के लिए हो रहा है। आप News24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।